हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। माय नेम इज सॉगी है और आपका स्वागत है एक और GTA 5 की दमदार वीडियो में। और दोस्तों यार, आप लोग सोच रहे हो मैं इतनी दोपहर में जा कहाँ रहा हूँ। दोस्तों मेरी एक फ्रेंड है जो कि बाइकर गैंग से बिलोंग करती है, उसकी यार दूसरी गैंग से फाइट हो चुकी है, तो इसलिए उसने मुझे मदद के लिए बुलाया है। आप लोगों को पता है ना मैं कितना बड़ा हीरो हूँ ना। वैसे यार मेरा मकसद मेन है कि अगर मैं उनकी गैंग की हेल्प करता हूँ तो उनकी गैंग से मुझे यार पैसे मिलेंगे, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ यार उनकी हेल्प करने। और यार बहुत ही ज़्यादा डेंजर गैंग है, वैसे मैं क्या ही बताऊँ। वैसे ये गैंग पहाड़ियों के आसपास रहती है, आई थिंक वो यार हाईवे वाले हाईवे मिल जाएगी वो गैंग का जो लोकेशन था। और यार दोस्तों आज तो मज़े आ गया। मैंने यार एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जैक भाई और सिंचैन का फ़ोन छुपा दिया है, और फ़ोन छुपाने के बाद वो दोनों फ्री फायर नहीं खेल सकते। जब देखो फ्री फायर खेलते थे, आज तो मैं उन दोनों को मज़े ही चखा दूंगा। आज दोनों के दोनों घर को ढूंढते रह जाएंगे लेकिन उन दोनों को फ़ोन नहीं मिलेगा। मैंने ऐसी जगह छुपा जो दिया है, मज़ा चखा दिया ना। दोस्तों भैया और सिंचैन की तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी अगर वो फ्री फायर नहीं खेलेंगे, पागल कहीं के जब देखो उसी में लगे रहते हैं। और यार फाइनली मैं उस लोकेशन में पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे मुझे बाइकर गैंग से मिलना था। और गाइस बहुत ही ज़्यादा डेंजर फाइट हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला। कोई यार उसने बोला था कि मेरी फ्रेंड है कि वहाँ पे यार बहसबाजी हो सकती है। चलो ठीक है, हमें देखना है कहीं वॉर वगैरह ना हो जाए। बाइकर वॉर बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है भाई, सारे पागल की तरह गोलियाँ चलाने लग जाते हैं। आई थिंक वैसा कुछ ना हो, मैं तो ये प्रे करता हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों यार क्या ही करूँ, अपनी दोस्त से तो मदद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार इसने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी है, मुझे काफ़ी बार यार उधार पैसे दिए हैं, तो यार दोस्तों मुझे भी हेल्प करने जाना ही पड़ेगा। ओके यहाँ पे यार लगता है मुझे पहुँचने वाला हूँ मैं। वोरी बाइकर गैंग शायद से मुझे नज़र आ रही है। गाइस यहाँ पे बाइकर गैंग आने वाली थी, लगता है आएगी आ गई क्या। यहाँ पे सारे के सारे बाइकर गैंग आ चुके हैं। और गाइस यार मुझे लगता है अपने ट्रक से नहीं जाना है, तो यार मैं इनकी गैंग में शामिल हो चुका हूँ तो मुझे भी बाइक से जाना पड़ेगा। अरे ओके आप आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। अरे यार मुझे तो आना ही था। जूली इधर आओ, इधर बैठो यार तुम्हारे लिए। अरे यही तो तुम्हारे लिए बाइक मैंने बचा के रखी थी। अच्छा ठीक है जूली, चलो चलते हैं। वैसे जूली लफड़ा क्या हुआ तुम्हारा? अरे मैं क्या बताऊँ क्या लफड़ा हो गया, बहुत ही तगड़ा लफड़ा हो गया। अरे यार ऐसा क्या हो गया? चलो यार मुझे क्या ही करना, बस मुझे तो तुम्हारी हेल्प करनी है। वैसे वो गैंग है कहाँ पे? अरे मैं क्या बताऊँ कि वो गैंग बहुत ही ज्यादा बदमाश है, वो गैंग पेट्रोल पंप के पास होगी। अच्छा ठीक है पेट्रोल पंप के पास है, लेकिन कौन से पेट्रोल पंप के पास? और ये तुम्हारी गैंग इतनी स्लो बाइक क्यों चला रही है? अरे यार मैं क्या ही बोलूँ कि यार वो बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। अच्छा वो डर गए हैं, क्यों डर गए? अरे यार उनके ऊपर पहले से भी अटैक हो चुका है हमारी गैंग के ऊपर। अच्छा ठीक है इसलिए तुमने मेरी मदद मांगी। गाइस यहाँ पे यार जूल की गैंग पे ऑलरेडी बाइकर गैंग ने दूसरी बाइकर गैंग उन्होंने अटैक कर दिया, और यहाँ पे ये सारे के सारे डरे हुए हैं। ओके चलो मैं यहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और उन गैंग की मैं छुट्टी कर दूंगा। हाँ इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। ओके वैसे यार ये बताओ लेस्टर से तुम्हारी बात होती कि नहीं होती? अरे हाँ लेस्टर से कभी काल हो जाती है बात। ओके ठीक है, लेकिन ये गैंग तुम्हारी कितनी धीरे आ रही है। हाँ यार क्या बताऊँ मैं, जब से डर चुके सारे के सारे। ओके यार तुम्हारी बाइक गैंग का लीडर था वो कहाँ गया? अरे यार उसको तो मार दिया, जब तो यार सारी गैंग हमारी डर रही है। ओके अब मैं पूरी बात समझ चुका हूँ। यहाँ पे यार दोस्तों इनकी गैंग का जो लीडर था उसको यार दूसरी गैंग ने मार दिया, तो इसीलिए यार ये गैंग पूरी की पूरी यार डर चुकी है। और यार यहाँ पे मैं आके इस गैंग को लीड कर रहा हूँ फिलहाल, देखते हैं। यार उन सबका वेट कर लेता हूँ जब तक मेरे पीछे आ जाएंगे, कहीं पता चले सारे गैंग पीछे से भाग गई, मैं अकेले जा रहा हूँ लड़ने के लिए और मैं एक अकेला पिट उठ के आ जाऊँ। फाइनली गैंग तो आ चुकी है, चलो यार चलते हैं भागे। वैसे यहाँ के रोड कितने ज़्यादा डेंजर है, क्यों जुली? अरे यार सही कहा होगी, ये रोड बहुत ही ज़्यादा डेंजर है लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही आसान है इस पर बाइक चलाना। अरे हाँ यार तुम तो बाइकर हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही आसान होने वाला यार। फाइनली वैसे पेट्रोल पंप पे हम कब पहुँचेंगे? अरे बस पहुँचने वाले, वैसे तुम अपना वेपन लेकर आए हो ना? हाँ यार मेरे पास तो वेपन की कमी नहीं है, मैं अपना वेपन ऑलरेडी लेकर आया था, मुझे पता था कि कोई ना कोई पंगा जरूर होगा, इसलिए मैं पहले से तैयार होकर आया हूँ। वैसे ये बताओगे यार इसमें मुझे कितना फायदा होने वाला है?
अरे फायदे की मत सोचो, तुम्हें बहुत सारे डॉलर मिलेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे बहुत सारे डॉलर मुझे मिलेंगे, लेकिन यार पेट्रोल पंप किधर है? ए यार, ऐसी जगह तो मैं पहली बार है यार। ए दोस्त, लॉस सैंटोस में ये वाले एरिया मैंने कभी नहीं घूमा यार। वैसे कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो यहाँ पे? वाह, ये तो टी गार्डन है यहाँ पे, क्यों मैंने सही कहा? अरे हाँ, ये टी गार्डन है। ओके गाइस, ये वाली जगह मैं पहले कभी नहीं आया हूँ वैसे। वाह, यहाँ से मिलिट्री बेस दिख रहा है पूरा का पूरा, वो देख रहे हो यार, मैं राइट साइड पे मिलिट्री बेस है। और इस वाले रोड पे मैं पहली बार गाड़ी मतलब कि बाइक चला रहा हूँ, और ये रोड यार काफी मस्त लग रहा है यार। क्या ही बोलूँ यार, सिटी में उतनी भीड़ भाड़ होती है, इस रोड पे भीड़ भाड़ उतनी नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, बस पहुँचने वाले हैं। ओके गाइस, हम पहुंचने वाले पेट्रोल पंप पे, और मुझे लगता है मुझे वेट कर लेना चाहिए। मुझे सामने ही दिख रहा है पेट्रोल पंप है, वहीं पे सारे के सारे एनिमी है शायद से। मुझे लगता नहीं कि वो लोग बात करेंगे। अरे नहीं, वो बात नहीं करेंगे, बहुत ही कमीन है। अरे रे, ये क्या गाली नहीं देने का, जो भी हो ठीक है यार, जो ले तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। ने ये फाइनल दोस्तों, यहाँ पे पूरी बाइकर गैंग आ चुकी है। अब मुझे डरने की कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे बाइकर गैंग है, सबके पास वेपन वगैरह है। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ उनसे सॉरी बोलने के लिए, अगर वो ऐसा मान जाते हैं तो ठीक है, फिर हम फाइट नहीं करेंगे। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है, ओके। हे दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर, फाइट भी हो सकती है। चलो यार, मैं पेट्रोल पंप पे पहुँच चुका हूँ, और मुझे लगता है वो गैंग इधर ही है, और वहाँ पे मुझे गैंग मेंबर दिख रहे हैं। क्या करूँ क्या करूँ? ओके यार, उनके पास, अरे ये क्या, अरे बात करने से पहले इस गैंग ने अटैक कर दिया। ओह नो, ये क्या यार, जूली को गोली लग गई। ओके, अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों जूली को गोली लग चुकी है, और जूली का लगता है गेम ओवर हो गया। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरी दोस्त को गेम ओवर करा, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। अटैक गाइस, अटैक कर दो, किसी को नहीं छोड़ने का। अरे यार, मेरी टीम तो सारी की सारी नल ली है, एक नंबर के नल है, कहीं के हार गए। हाँ, छोड़ने का नहीं किसी को। ए गाइस, ये क्या, हमारी टीम ने तो कमाल कर दिया है, मुझे लगा कि नहीं मार पाएंगे, और यहाँ पे पूरे गैंगस्टर को गायब कर दिया यार। और ये लास्ट बंदा देख रहे हो, इनका लीडर है, ये कैसे भाग रहा है धूम दबा के, और इसे लगता है इसे पता नहीं चलेगा, अब तो तू घेले गया। इसी के साथ दोस्तों, हमने लीडर को भी फिनिश कर दिया, और ये हमारा मिशन होता है कंप्लीट। लेकिन गाइस, जूली के लिए बहुत ही बुरा लगा, वो अभी भी सर्वाइव करी, उसे हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, उसकी जान बच चुकी है। फाइनली हम पहुंच चुके घर पे, और हमें बहुत सारे डॉलर भी आज कमा लिए हैं। चलो भैया के पास चलते हैं, देखते हैं भैया और सिंचर की शक्ल कैसी हो रखी होगी, क्योंकि इनका मैंने फोन जो चुरा लिया था। हे भैया, ओए गेले, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ जब से, कहाँ था तू, ये बता, मेरा फोन कहाँ छुपाया, साथ में सिंचर का भी। अरे यार कैसा फोन, मैं नहीं जानता कोई भी फोन। ओए मुझे पता तू नहीं छुपाया, क्योंकि हम फ्री फायर खेल लेते हैं, और तू फ्री फायर में एक नंबर का नुबड़ा है, इसलिए तूने जानबूझ के छुपा दिया। अब मुझे तेरे पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मैं चाहता हूँ तू इस घर को छोड़कर निकल जाए यहाँ से। अरे यार ये क्या बात हुई यार, फोन छुपा दिया भैया तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे, ये भी कोई बात है क्या? अरे यार होगी भैया, तुम यहाँ से चले जाओ मिन लोगों को छोड़ के। अरे ये क्या, सिंचन भी बोल रहा है, ये दोनों मजाक कर रहे क्या? ओए मैं सही बोल रहा हूँ, तू हमें फ्री फायर नहीं खेलने देता है, तो तुझे इसलिए घर से निकलना पड़ेगा। हम दोनों चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा फैसला लिया है, यहाँ पे तुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे यार ऐसे कैसे घर से भगा सकते हो मुझे यार? अरे यार सही कहा, हम किसी भी घर को भगा सकते हैं, मेजोरिटी के साथ में हम दोनों का वोट है, हम दोनों चाहते हैं कि तुम भैया यहाँ से चले जाओ। अरे यार सिंचन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, भैया का तो भरोसा नहीं था, लेकिन सिंचन ने भी यार ये बोल दिया। अभी क्या ही बोलूं यार, फ्री फायर के खेलने के चक्कर में इन दोनों ने मुझे घर से भगा दिया। ए भैया, ओए मुन्ना तू निकल जाए यहाँ से। अरे यार ये क्यों, मैं तुम्हारा फोन देता हूँ ना। ओए हमने ब्रांड न्यू फोन खरीद लिया है। अरे ये क्या, ये मेरे पैसे को बर्बाद कर दिया। ए गाइस, इन लोगों ने मेरे से सारा पैसा जो कमाया था उसे फोन खरीद लिया, और यार अभी क्या बोलूं। ओए इधर बात सुन, इधर अंदर आ। ए फाइनली मुझे लग ही रहा था मजाक कर रहे होंगे दोस्तों, ये लगता है मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। हे भैया मुझे पता था तुम प्रैंक कर रहे हो, बस मैं भी ऐसे चले गया था बाहर। हाँ मुझे पता था तुम प्रैंक कर रहे हो। ओए मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी की चाबी दे। अरे क्या, गाड़ी की चाबी दूँ? ओए गाड़ी भी तू नहीं ले सकता है, ओए तुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा बाहर, निकल यहाँ से। अरे ये क्या, बड़ी बेइज्जती कर दी यार।
हे दोस्त, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? मेरे भैया और सिंचन ने मुझे भगा दिया घर से। ओके यार, मैं घर छोड़ के चले आता हूँ। ओके, वैसे घर तो मेरा है, लेकिन ओए तू रह गया तो हम दोनों चले आएंगे यहाँ से। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग इस घर में रहो, मैं ही चले जाता हूँ। यार यार ये क्या हो गया मेरे साथ में? मैंने फ़ोन क्या छुपा दिया? सिंचन और भैया गुस्सा गए और उन्होंने यार घर से निकाल दिया। अगर मैं नहीं चाहता तो वो दोनों बोल ले कि वही दोनों घर छोड़ देते होते। यार मैं नहीं चाहता कि ये दोनों घर छोड़े। वैसे यार इतना ज़्यादा मेरे को बाइक चलाने के बाद बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है यार। अब मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। अब क्या करूँ मैं? जितने मैंने यार कमाए थे यहाँ पे इन दोनों ने रख लिया यार, और साथ में दोस्तों मेरा फ़ोन भी छीन लिया इन दोनों ने। ओ नो, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा यार? हे दोस्तों, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। सबसे पहले मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा यार, कमाने पड़ेंगे पैसे। यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा भैया और सिंचन ने मेरे साथ ऐसा किया। चलो यार, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। फाइनली गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यार गैरेज के पास में। वैसे यार देख रहे हो ना, अभी क्या ही बोलूँ, जेब खाली हो तो आता जाता कोई भी सुना देता है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, मुझे लगता है चलो इनसे काम मांगता हूँ। हे यार यार, लॉस सैंटोस की गलियों में मुझे भटकना पड़ रहा है। मेरी गाड़ी भी ले ली और मेरा फ़ोन भी छीन लिया। हे यार, अभी क्या ही करूँ मैं। ए दोस्तों, क्या तुम्हारे पास काम है? अरे नहीं, हमारे पास काम नहीं, हमारे पास बीड़ी है, सुट्टा मारना है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई सुट्टा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं है। अच्छा यार, ये क्या यार, ये तो बीड़ी पीने मस्त है। ओके चलो यार, मैं गैरेज पे पूछ लेता हूँ, शायद से गैरेज पे मकैनिक की ज़रूरत हो। गाइस जरा, अपन को थोड़ी बहुत तो मकैनिक वाली स्किल आती है, और यहाँ पे गैरेज के मालिक हैं। हाँ सर, बोलिए आपको क्या ठीक कराना है? अरे नहीं नहीं, गाड़ी मुझे ठीक नहीं करानी, मेरे पास तो गाड़ी नहीं वैसे। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, क्या काम है बोलिए। अरे यार मुझे यहाँ पे काम चाहिए। ओ नो, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, वैसे भी कस्टमर नहीं आ रहे, तो हमें मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। ओके यार, ये क्या यार, यहाँ भी काम नहीं है क्या यार? लॉस सैंटोस में कहीं रोजगारी नहीं है, बेरोजगारी आ गई क्या पूरी? गाइस यार, यहाँ गैरेज पे काम नहीं मिला तो चलो यार मैं फूड मार्केट में चलता हूँ, वहाँ पे शायद मुझे यार बेटर का काम मिल जाए, या तो शेफ़ का काम मिल जाए। फाइन दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका है, और ये दोस्तों चाइनीज़ मार्केट है, यहाँ पे मोमोज़ वगैरह मिलते हैं, तो आई थिंक शायद यार मैं यहाँ पे बेटर बन जाऊँ। यार यार देखते हैं कुछ काम मिल जाए। हेलो सर। हाँ बोलो सर, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं, मुझे काम चाहिए। अरे ये कौन सी डिश होती है? अरे काम चाहिए, काम, जॉब जॉब। अच्छा अच्छा, जॉब चाहिए। ओ सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया, अभी सामान बिका नहीं, तो तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अरे यार इतना रूडली बोलने की क्या जरूरत है, वही जैसे बोल सकती यार, किसी की कोई जति नहीं कर रहा मेरी। और गाइस यार, अभी मैं क्या करूँ यार, मैं दो जगह जा चुका है लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा। अरे यार ऐसे तो यार मैं तो रोड पे आ ही गया हूँ, अब तो मुझे लगता है डस्टबिन से कचरा खाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता है यार, भैया ने बहुत ही बुरा किया, मेरा फ़ोन भी छीन लिया और साथ में मेरे सारे पैसे भी ले लिए और गाड़ी भी ले ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। ओ नो यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। ओके अरे बेटा, थोड़ा से पैसे दे दो। अरे नहीं, मैं खुद ही भिखारी हो रखा हूँ तो मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूँ? अरे यार लगता है भीख मांगनी पड़ेगी क्या? नहीं यार, ये तो बहुत ही बुरे दिन आ गए, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, मुझे रोना आ रहा है बहुत ही ज़्यादा वाला। अरे यार मुझे कैसे भी करके उस जनरल को मजा चखाना है और उससे मुझे टेप लेनी है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो कि हमारे इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। ओह, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क है। अरे ये किसी रोने की आवाज़ आ रही है, अरे कौन रो रहा है इधर? ओह कौन है? अरे कोई लगता है अभी पीछे। अरे कौन हो तुम, यहाँ क्यों रो रहे हो? अरे यार क्या ही बोलूँ, मुझे घर से भगा दिया, नहीं मेरे पास कोई काम है, मुझे भूख लगी है, कोई खाना दे दो। अरे इतने हट्टे कट्टे खाना मांगते, काम कहीं कर सकते? यह लगता है गाइस मैं इनको, मतलब कि इसको काम दे सकता हूँ और इसको साथ में मैं बेवकूफ़ भी बना सकता हूँ, क्योंकि इसे काम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलो यार मैं इसको बताऊंगा कि वो नकली जनरल है, नहीं तो ये तभी मानेगा नहीं। हाँ हाँ बेटा सुनो,
हाँ बोलो क्या हुआ यार, मुझे रोना रहा। अरे सुनोगे, रोना बंद करो, मेरे लिए तुम्हारे पास काम है। अरे क्या काम है? मुझे काम की तो तलाश थी, लेकिन मेरे भैया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे यार मेरे पास आओ। अरे काम कहाँ पे? अरे यार ये काम है, एक मिशन है, बहुत ही ज्यादा डेंजर तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक गैंग है जिन्होंने हमारी टेप रिकॉर्ड चुरा लिया है। अरे उस टेप रिकॉर्ड में ऐसा क्या है? अरे यार उस टेप रिकॉर्ड में कुछ नहीं, एक पिक्चर है, हाँ कार्टून की फिल्म है, उन लोगों ने हमारी कैसेट चुरा ली थी, उसे तुम्हें लेकर आना है। अरे किससे लेके आना है ये तो बताओगे? अरे इधर आओ, पहले कोने में बात करेंगे, नहीं तो कोई बात हमारी सुन लेगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो तुम्हें वो कैसेट चुरा के लानी है। हाँ ओके यार, तुम दूसरी क्यों नहीं खरीद लेते? और मैं तुम्हें आगे का प्लान बता दो, तुम्हें उस कैसेट को चुराना है और हमें दे देना है, बस इतना सिंपल ही काम करना है बस। अच्छा ठीक है, बस मुझे कैसेट को ले जाना है, मतलब लेके आना फिर तुम्हें दे देना। ठीक है, वैसे ये काम भी, इसका मुझे कितना मिलेगा? टेंशन मत लो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम्हें मिलेंगे इसके $1 मिलियन। अरे बाप रे, $1 मिलियन? हाँ हाँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम तैयार हो ना? हाँ यार मैं तो बिल्कुल ही तैयार हूँ, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। हाँ वैसे काम कब से स्टार्ट करना है? अरे अभी रुको, बस अभी से स्टार्ट करना है, रुको अभी मैं आता हूँ एक कॉल करके। अच्छा ठीक है, कॉल कर लो। हाँ मुझे भी, और टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ हमारे बुलड के भी होंगे। गाइस यहाँ पे मैंने इस बिल्ले को तो बेवकूफ बना दिया है, और इसको नहीं पता कि वो असली का जनरल है। मैंने इसको बोला है कि वो एक नकली जनरल है, मतलब कि टीवी एक्टर है, और वहाँ पे शूटिंग चल रही होगी, और तुम्हें वहाँ से टेप रिकॉर्ड लेकर आना है। इस बिल्ले को तो मैंने बेवकूफ बना दिया है, अभी ये सोचेगा कि वो नकली, वहाँ पे शूटिंग चल रही है, लेकिन इसको क्या पता वो असली की लॉस सैंटोस की आर्मी है और वहाँ का चीफ जनरल है। आखिरकार उस जनरल को मजा मैं चखा के रहूँगा, वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से, उसने मेरे लोगों को मारा जो है। ये किसकी बात करे, किसने किसको मारा? अरे ये लो, ये गन तुम्हारे हाथ में कैसे लग रही है? अरे गन तो ठीक है, लेकिन ये गन की क्या जरूरत है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे सारे शूटिंग कर रहे हैं, मुझे बस उनसे जाके टेप रिकॉर्ड लेना है ना। अरे नहीं नहीं, वो बहुत ही ज्यादा लड़ाकू है, हो सकता है वो फाइट भी कर ले, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने गन दे दी है, जाओ। अच्छा ठीक है, सेफ्टी के लिए गन है, चलो ठीक है, ये तो ठीक है हो गया। वैसे मुझे जाना कहाँ है? अरे जाओ। ओके यहाँ पे गाइस मुझे मीटिंग पॉइंट तो पता चल चुका है, मुझे जहाँ पे जाना है, और वहाँ पे यार गाइस यहाँ पे मुझे मीटिंग पॉइंट पे जाने के लिए गाड़ी की जरूरत है, और मेरे पास तो गाड़ी नहीं सिवाय इस वेपन के अलावा, तो यार मुझे किसी की गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो यार कौन सी गाड़ी लेते हैं? वैसे यार ये मिशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अभी क्या ही कर सकते यार, अपने पास में, वैसे यार कोई पिक्चर के लिए, एक मूवी की कैसेट के लिए इतने ज़्यादा पैसे कैसे दे सकता है? $1 मिलियन मेरे बाद में बस ये नहीं घुसा। चलो यार मुझे क्या ही करना है, मुझे तो बस अपने काम से मतलब है, और ये मिशन कम्प्लीट करके मुझे $1 मिलियन मिल जाएंगे, फिर यार गाइज मैं एक नया घर लूँगा, और यार अपने लिए खाना वगैरह भी मंगाऊँगा यार, क्योंकि यार भैया ने मुझे घर से बाहर जो निकाल दिया, अभी क्या ही बोलूँ मैं। शायद अगर मैं भैया को दोबारा से $1 मिलियन पैसे दूँ, तो शायद से मुझे घर में दोबारा से रख लें, हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो दोस्तों ये मिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुझे करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मुझे मीटिंग पॉइंट था, आई थिंक ये वाले पॉइंट पे मुझे मीटिंग थी। मुझे यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा, आई थिंक यहाँ पे कोई सामने है। ओके ये लोग कौन है? अरे सर ने आपको ही भेजा है क्या? हाँ हाँ मेरा ही नाम होगी है। अरे आपका नाम होगी सर है? हाँ हाँ, वैसे कोई व्हीकल में हमें जाना है ना। ओके गाइज यहाँ पे एक व्हीकल है ब्लैक कलर की। ओके ये गाड़ी भी कितनी बढ़िया, और ये बंदे यार सूट बूट में कुछ अलग ही लग रहे, ऐसे लग रहा है जैसे बॉडीगार्ड है यार, वो भी हाई फाई वाले। अरे सर आपको प्लान पता है ना पूरा? हाँ प्लान तो मुझे पता है वैसे। ओके सर। ए गाइस मुझे सबसे पहले यहाँ पे जाना है सैंडी सॉरेस में। ओके चलो सैंडी सॉरेस, तो यार मुझे लगता है ड्राइवर के घर के पास में वही वाला ना। हाँ सर मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे, ड्राइवर कौन? अरे यार तुम्हें क्या पता ड्राइवर कौन है, वैसे सैंडी सॉरेस में जाना है दोस्तों, ड्राइवर के घर के आसपास ही शायद वो है, तो चलो यार वहाँ पे चलते हैं। अरे सर वैसे आपको डर नहीं लगता क्या? अरे डरना क्या, मैं डरूंगा क्यों, वैसे एक
अरे सर इतना बड़ा मिशन है, कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ भी हो सकता है तो डरने का नहीं, वैसे कुछ होगा क्या यार, एक एसिडी तो लेकर आनी है। अरे सर आप बहुत ही ज्यादा जिगरे वाले, वैसे आपको डर नहीं लगता। हाँ ठीक है वैसे। अरे सर लॉस्ट सेवन टॉस में आपका पूरा एकदम, क्या ही बोलूं मैं। चलो रहने दो, कुछ मत बोलो, मुझे डराओ मत फालतू का, इतना छोटा सा मिशन है, इसको तो करने के लिए मैं चुटकियों में कर दूंगा। ओके सर, लगता है बहुत बड़े खिलाड़ी हो इसलिए आपको ये छोटा सा मिशन लग रहा है। इसमें है क्या वैसे यार, लगता है ये सारे के सारे तीनों यार नलायक हैं। और गाइस यहाँ पे मुझे शूटिंग वाली जगह पे जाना है, मतलब कि वहाँ शूटिंग हो रही होगी असली, वहाँ पे फाइटिंग, शूटिंग वाली गोली नहीं शूटिंग मेरे ख्याल से। अरे सर वहाँ पे शूटिंग चल रही, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, कभी शूटिंग हो सकती है। हाँ शूटिंग तो होगी यार, वहाँ पे शूट होगा तो शूटिंग तो होगी ही ना। हाँ यार वहाँ पे इनको क्या ही बोलूँ मैं, अभी मेरे को इनसे बहस नहीं करनी है। फाइनल जैसे मुझे सैंडी सोरेस में पहुँचना है, और वहाँ पे जो भी यार डायरेक्टर या जो भी एक्टर है, जनरल जो भी है, सो क्या बोलते हैं, उससे मुझे टेप रिकॉर्डर लेना है। अरे सर हाँ हाँ टेप रिकॉर्डर तो लेना है। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा वैसे, डरपोक कहीं के, इतना डरना क्या। अरे सर क्या ही बोलूँ मैं, चलो कोई नहीं। अरे यार ये लोग मुझे डराने में क्यों लगे पड़े, ऐसा बोलने जैसे लग रहा है कि मैं लॉस सैंटोस की आर्मी से फाइट करने आ रहा हूँ। अरे सर वही तो करने जा रहे हो। हाँ क्या चुटकुला था वैसे, इतना बड़ा मजाक, मेरे को बेवकूफ़ समझे क्या। अरे सर आपको यकीन नहीं हो रहा क्या। अरे मुझे, मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, मुझे पता है तुम मेरे को प्रैंक कर रहे हो। अरे सर मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं जनरल से टेप रिकॉर्ड लेने, जो कि चीफ आर्मी मिनिस्टर हो है, चीफ आर्मी। अरे चीफ आर्मी जो भी हो, लेकिन यार तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगा, तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। अरे यार सर तो समझ ही नहीं रहे। ओके सर चलो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा। ए गाइस ये लोग बोल रहे कि वो असली का जनरल है, लेकिन मेरे को जिसने मिशन दिया उसने बोला तो वहाँ पे शूटिंग हो रही थी, और उन्होंने बस कॉस्ट्यूम पहन रखी हुई जनरल वगैरह फौजी वगैरह की। तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है ये लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, मतलब कि मजाक कर रहे हैं यहाँ पे यार, इनकी बातों में झोंक ही है। चलो गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं शूटिंग वाले एरिया पे, बस मुझे वहाँ से कैसेट लेनी यार, इतना छोटा मिशन था वैसे, और सीधा $1,000,000 मिल जाएंगे, मज़े आ गए यार इतने छोटे मिशन के लिए। फाइनली अभी क्या ही कर सकते हैं यार। ए बिल्कुल यार ये ट्रेवर के घर के पास ही वाला मिशन है क्या, मुझे लगता है ट्रेवर भी वहाँ पर होगा, अगर ट्रेवर के गांव में शूटिंग चली गई तो ट्रेवर भी जरूर आएगा देखने के लिए। ओके चलो इसी बहाने में पहली बार लाइफ में शूटिंग देखूंगा यार, मैंने कभी शूटिंग नहीं देखी कैसे होती है। वैसे ये कौन सी मूवी की शूटिंग हो रही है। अरे सर आपको क्या ही बोलो, पागल हो गए हो। ए पागल मैं नहीं, तुम लोग मुझे पागल बना रहे कुछ भी। फाइनली दोस्तों हम शूटिंग वाले एरिया पे पहुंच चुके हैं, और चलो यार यहाँ पे शूटिंग हो का नहीं वैसे। अरे सर, अरे अरे ये क्या तुम लोग गन क्यों लेकर आए हो। अरे सर लड़ाई करने यार, तो गन ही तो लेके आएंगे। ओके ये लोग लड़ाई करने आए यार, मेरे को तो सेफ्टी के लिए गन दे दी थी। वैसे मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार, ये क्या चल रहा है आखिरकार, लगता है ये सभी शूटिंग वाले होंगे, नकली गन लेके घूम रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मुझे एक आर्मर मिल गया, ओके चलो आर्मर फ्री का मिल गया तो सही है। फाइनली यहाँ पे देख रहे हो शूटिंग चल रही है, और वो देखो यार नकली हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है, जो कि यार बहुत ही सही है, लेकिन यहाँ पे मुझे कैमरा नज़र नहीं आ रहा। ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है गाइज, अगर ये आर्मी की कोई मूवी बन रही है तो यहाँ पे कैमरामैन तो होना चाहिए, यहाँ पे तो मुझे एक भी कैमरामैन नज़र नहीं आ रहा। अरे ये क्या, इन लोगों ने सीधा अटैक क्यों कर दिया। अरे सर मारो इन्हें, क्या कर रहे हो। अरे यार ये मारना पड़ेगा, अरे बाप रे ये लोग तो मारने लगे, मुझे लगता है ये पुलिस वाले के कॉस्ट्यूम पहन के सारे गुंडे हैं, इन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या, मुझे लगा ये नकली हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसके अंदर भी गुंडे घुसे पड़े हैं, एक केक को उड़ा दूंगा फाइनली। अरे सर, अरे ये क्या, ये जो मेरे लोग साथ आए थे वो लोग मर गए। फाइनल दोस्तों यहाँ पे मैं हेलीकॉप्टर को देख रहा हूँ, मेरी टीम जब तक उनको हैंडल करेगी। वैसे यार एक कैसेट लेने आए थे, और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही अलग हंगामा हो चुका है, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर तो ये गया, इसकी तो मैंने छुट्टी कर दी है। अरे सर बचाओ। अरे ये क्या, यहाँ पे लगता है मेरी आर्मी जो भी आए थे तीन बंदे थे, और नो यहाँ पे ये भी क्या। ओके मैं लास्ट वन रह चुका हूँ, और ये गाइस ये तो मुझे कुछ लग रहा है यार, ये तो पुलिस वाला था, ये तो ट्रेवर के गांव का पुलिस वाला था, जो कि यार दोस्तों यहाँ पे अपनी ड्रेस में नहीं था।
ओके, ये कहीं रियल आर्मी तो नहीं है? अगर ये रियल आर्मी है तो फिर तो बहुत ही बड़ा लफड़ा होने वाला है गाइस। लेकिन अभी क्या ही करूँ, मैं बहुत ही तगड़े तरीके से फंस चुका हूँ। मुझे सबसे पहले यार नहीं लगता ये रियल तो नहीं होंगे यार। नहीं यार, रियल नहीं होंगे। ओके यार, रियल नहीं हो सकते। चलो यार, मुझे यहाँ से एक टेप रिकॉर्डर लेना था और मुझे नहीं लगता ये मुझे आराम से टेप रिकॉर्डर देने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरे पास यार गोलियाँ पड़ रही हैं। मेरा यार आर्मर भी काफ़ी डैमेज हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरी आर्मर, एक मिनट मुझे लगता है यहाँ पे सारे लोग मर चुके हैं और आखिर में एक बंदा ये रहा, ये ले। ओके ओके, ये भी गया। ओके ये भी गया। और यहाँ पे गाइस यार ये सारे सारे वैसे, अरे बाप रे, जनरल मेरे पीछे क्यों लग रखा है? अरे तुझे किसे भेजा है? मुझे पता है उसका काम है मोटे का। मोटे को तो नहीं छोड़ूंगा, उसका इस बार तो एनकाउंटर करके रहूंगा। अरे किस मोटे की बात करे यार? ए वैसे वो मोटा ही तो था जिसने मुझे काम दिया था। ए नकली जनरल, पुलिस वाले बनते हो नकली वाले, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या बोल रहे हो, हम नकली नहीं मछली हैं। अरे इतना बेवकूफ समझा गया तो मुझे पता है नकली है जनरल, और यहाँ पे मैंने तुम्हारी पूरी गैंग को साफ कर दिया है। जल्दी से मुझे टेप रिकॉर्डर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अरे तुम कौन हो? तुम्हें मैंने पहली बार देखा है। अरे बाप रे, मुझे टेप रिकॉर्डर दो जल्दी से, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ए ये ले टेप रिकॉर्डर, लेगा तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा देशद्रोही। अरे मैं देशद्रोही नहीं हूँ। ये ले गाइस, यहाँ पे जो भी यार ये नकली चीफ था इसको हमने फिनिश कर दिया है। और मुझे भी यहाँ पे टेप रिकॉर्डर ढूंढना है, कहाँ पे यार वाली टेप है? यार टेप रिकॉर्डर नहीं, वैसे टेप ही है आई थिंक, वो टेप है कहाँ पे? टेप। और गाइस यार इतना सन्नाटा क्यों हो गया यहाँ पे? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या यार? लगता है यार यहाँ पे अगर ये गाइस असली चीफ निकला ना तो फिर तो मेरी वाट लग जाएगी। और ये क्या भाई? अरे बाप रे, यहाँ पे लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है गाइस। जैसे मैंने ये रिकॉर्डर अपने हाथ में लिया वैसे ही इतने सारे स्टार कैसे लग गए? ओ नो, लगता है गाइस मैं बहुत ही बड़ी गड़बड़ में फंस चुका हूँ। यार ये सही तो नहीं बोल रहा था कहीं असली का तो? यार लॉस सैंटोस की आर्मी का चीफ तो नहीं था जिसे मैंने मार दिया? और ये कहीं शूटिंग तो नहीं? नकली शूटिंग का बोल के उस टकले ने मुझे फंसा दिया लगता है मोटे ने। ओके मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा गाइस। ये तो लॉस सैंटोस की पुलिस मेरे पीछे नहीं, लॉस सैंटोस की आर्मी मेरे पीछे लग गई। ओके यार ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। उस मोटे ने लगता है मुझे जानबूझ के फंसा दिया और इतना ज़्यादा डेंजर मिशन पकड़ा दिया सस्ते में। ओ यार अभी क्या ही करूँ, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा इससे पहले यार ये लोग मुझे उड़ा दें। और गाइस यहाँ पे ऑफ रोड में जाना पड़ रहा है आई थिंक। लगता है मैंने पुलिस वाले को कुछ देर के लिए चकमा तो दे दिया है। और यार मुझे उस मोटे से मिलना पड़ेगा, उस मोटे से मिलने के बाद ही गाइस मुझे लगता है कुछ हो पाएगा। यार मुझे $1,000,000 चाहिए लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क हो चुका है, मैं क्या ही बोलूँ। ओके मुझे जाना है कोई होटल के पास आई थिंक। चलो यार मुझे होटल के पास जाना है, मुझे लगता है मोटा वहीं मिलेगा और मैं उससे पूछूंगा कि आखिरकार ये लफड़ा क्या है? मेरे पीछे हेलीकॉप्टर लगा पड़ा है। ओके ये क्या गड़बड़ हो रखी है यार गाइस, यहाँ पे हेलीकॉप्टर मेरे पीछे है। मैंने एक नॉर्मल सी पिक्चर का टेप रिकॉर्डर क्या चुरा लिया? यहाँ पे तो लॉस सैंटोस की पूरी आर्मी मेरे पीछे क्यों लग रही है? यार मुझे क्या करना है यार, यहाँ पे हर जगह देख रहे पुलिस वाले घूम रहे हैं और लगता है ये मेरी तलाश में है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। ओके ये वाला चॉपर वाला बंदा तो लगातार मेरे ऊपर एम करने पे लगा पड़ा है यार। ये क्या सामने से कोई गाड़ी आ रही है? ओ नो, ये तो गाइस मिलिट्री वाली गाड़ी है। यार मुझे लगता है बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, ये मिलिट्री वाले सारे मेरे पीछे पड़ गए क्या? मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है यार। मुझे लगता है वही टकला मुझे बचाएगा जिसने मुझे काम दिया था। उसकी लोकेशन पे फाइनली मैं पहुंचता और यहाँ पे गाइस यार मुझे पहले इन लोगों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए यार मुझे लगता है यहाँ पे ऑफ रोड, अरे ये क्या, यहाँ पे तो मिलिट्री का ट्रक भी आ चुका है, इन लोगों ने मुझे घेर लिया। और गाइस अच्छा मैंने मिलिट्री वाली गाड़ी ले चुकी है, मतलब कि ये वाली गाड़ी उनकी मैं लेकर आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है।
ओ ये यहाँ से मुझे निकलना है फटाफट से। और यार ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो चुका है मेरे लिए। यार मैं ये कहाँ फंस गया? ओ नो, यहाँ पे भैया क्या सिंचन के चक्कर में यार मैं कहाँ ही फंस गया। मैं तो गलत ही यार लोगों के लिए काम करने लग गया, मुझे पता ही नहीं चला कि वो यार गैंगस्टर है या पुलिस से। यार मुझे तो ऐसा बोला था कि वहाँ पे शूटिंग चल रही है और उन लोगों ने यार ऐसी पुलिस वाले की ड्रेस पहन रखी होगी और मुझे उनसे बस कैसेट लेके आनी है यार, रिकॉर्ड लेकर आना है। और गाइस ये तो बहुत ही बड़ा लफड़ा हो चुका है यहाँ पे। मुझे लगता है वो असली के चीफ थे जिसे मैंने मार दिया है। और यार ये सारी के सारी आर्मी मेरे पीछे लग चुकी है क्योंकि मेरे पास वो कैसेट है। अगर मैं इनके हाथ लगा वैसे भी ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार ही देंगे। तो यार क्यों ना मैं इस जो भी टेप रिकॉर्ड है मेरे पास है मैं इसको उस मोटे के पास देता हूँ। उसके बाद मोटा मुझे बहुत सारे पैसे देगा जिससे मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाऊँगा। ये भी ठीक प्लान है वैसे। चलो यार मुझे निकलना पड़ेगा। फाइनली उस हेलीकॉप्टर को तो मैंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पे मुझे जल्दी से पहुँचना है यार होटल के पास में। ए गाइस यार ये बहुत ही बड़ा लफड़ा हो गया। ओ नो यार, ए यार भैया को कॉल भी नहीं कर सकता, मैं किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता, भैया ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया ना। अभी यार क्या ही करूँ मैं तो बहुत ही लंबा फंस गया। चलो यार पहले इस मिशन को हम कंप्लीट ही कर लेते अगर हमने। यार ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है। ओके फाइनली मैं पहुंचने वाला लोकेशन पे जहाँ मुझे जाना था। और दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ यार, इतना ज़्यादा टफ हो गया मेरे लिए। अरे हट जाओ यार यहाँ से। ओके ये तो ड्रिफ्ट लगा दी मैंने यार। लेकिन यार जल्दी से पहुँचते हैं। क्या लगता है आप लोगों को दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार मेरे पीछे लॉस सैंटोस की आर्मी लग रखी, क्या लगता है आप लोगों को? यार जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार। यार फटाफट से लिखो सेव होगी। यार ये टास्क अगर आप लोग करते हो ना सेव होगी तो मैं शायद इस आर्मी से बच जाऊँ और लॉस सैंटोस की आर्मी मुझे छोड़ दें। अगर यार इनके हाथ में लग गया ना ये तो मेरे को फांसी दे देंगे क्योंकि मैंने इनके चीफ को जो मार दिया। तो गाइस यार कमेंट में जल्दी से सेव होगी लिखो और वीडियो को लाइक करो यार ताकि मैं बच सकूं। आप लोगों के हाथ में यार मेरे को मुझे बचाना, तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक यार फटाक से करो। और फाइनली यार यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा जाम हमेशा ही रहता ट्रैफिक की वजह से। फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ गाइस। यार यहाँ से थोड़ा सा और आगे वो होटल है जहाँ पे यार टकले ने मुझे बोला था। यार कैसे भी मुझे $1,000,000 मिल जाए ना फिर मैं यार अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। और यहाँ पे यार दे रहे हो ना जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ये पीछे मेरे हेलीकॉप्टर भी आया जा रहा है। यार अभी क्या ही बोलूँ मैं इतनी लंबी ड्राइविंग करके। ओके ओके ओके, ओके यहाँ पे से मुझे कट लेना था। ओ नो यार, ओ नो ये चॉपर आ जा रहा है। अरे यार इस चॉपर को लगता है मुझे मजा खाना पड़ेगा, ये तो मेरे पीछे लग गया यार। अरे यार मेरे यार पीछे लग चुके हैं, क्या ही बोलूँ मैं इसे। गाइस यहाँ पे सीधा मुझे पहुँचना है। ओके ये वाली लोकेशन पे फाइनली मैं आ चुका है इतनी देर से ड्राइव करने के बाद। यार इस चॉपर वाले ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा यार, अगर इसको पता है तो यार गाइस पीछे पीछे और भी ज़्यादा आर्मी आ जाएगी और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर बाद ही पुलिस के बीच में आऊँगा और मुझे भागना भी बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक मुझे यहीं कहीं देना था कैसेट और टेप रिकॉर्ड देना है। ओके ये वाली जगह पे मुझे टेप रिकॉर्ड देना है। और फाइनली गाइस मैंने टेप रिकॉर्ड दे दिया। हाँ मुझे यहाँ से क्या करना है? द आर्मी हैव अ सेंट आवर टैंक, लेट योर लाइज डील विद इट। ओह व्हाट, यहाँ पे गाइस ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई, ये कैसे हो सकता है यार? आर्मी वालों ने मेरे लिए टैंक निकाल दिया। ओ नो, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरे ऊपर टैंक ने अटैक कर दिया। और ये क्या टैंक है का? ओ नो नो नो, ये क्या? गाइस यार आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई, टैंक मेरे पीछे लग गया है। ओ नो, ये टैंक तो मुझे ढूंढ के ही मारेगा। ओ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ यार, मेरा ब्लड प्रूफ जैकेट अभी इन डैमेज को झेल तो सकता है लेकिन ये टैंक यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इस टैंक को मुझे कैसे भी करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके बाद ही यार मैं निकल पाऊंगा यहाँ से। नो नो यार, ये ट्रक तो मतलब टैंक तो मेरे पीछे लग चुका है, मेरे पास $1,000,000 आ तो चुके हैं यार मेरे अकाउंट में, यार मेरे पास कैश मिल गए फाइनली गाइस। लेकिन ये टैंक और ये चॉपर मेरे पीछे लगे पड़े हैं, अगर मुझे इस चॉपर को मतलब कि पुलिस से पीछे छुड़ाना है अपनी आर्मी से तो मुझे सबसे पहले इस चॉपर को ही उड़ाना पड़ेगा।
ये बहुत देर से मेरी लोकेशन भेजे आ रहा है। और गाइज इस चॉपर के अभी बताता हूँ, ये ले। और फाइनली गाइज मैंने इस चॉपर को फिनिश कर दिया। अब मेरी लोकेशन ये लोग बता नहीं पाएंगे जब से मैं टकले में मंडराते। और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ये क्या भूकंप कैसे आ गया? ओ नो, ये टैंक भी आ गया। अरे यार इस टैंक को भी नहीं छोड़ूंगा। ए गाइज इस टैंक को भी छोड़ूंगा नहीं। ए अभी बताता तुझे, बाहर निकल जो भी इसके अंदर है। ओ भीड़ो कहाँ भागेगा, भाग रहा है, खेले तू तो जाएगा। ए गाइज यहाँ पे यार आपने वीडियो को लाइक किया जिससे मेरे पास और भी ज़्यादा पावर आ चुकी है। तो इस टैंक का एम मेरे को बर्बाद नहीं करा, मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं करा, इस साथ में खुद ही टैंक डिस्ट्रॉय हो गया। और इसी के साथ गाइज यार लगता है मैं बच गया क्या? यार मैं बच गया, ये मैं बच गया। ये क्या? ओ नो, ये क्या भाई, 5 स्टार हो गए मेरे। ओ नो, ये क्या हुआ यार, ये तो टोटल 5 स्टार हो गए, पहले तो 1 भी स्टार नहीं था। ओके, लॉस सैंटोस की पूरी आर्मी अब यहीं आने वाली है और इन लोगों ने मुझे घेर लिया। अभी क्या करूं मैं, वहां पे नदी है गाइस, मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ, भागता हूँ। ओ नो यार दोस्त, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी हो रहा है, मेरा आर्मर फुली पूरी तरीके से डैमेज हो गया और मुझे कुछ बुलेट भी लग चुकी है। अब मैं इन लोगों से फाइट तो नहीं कर सकता क्योंकि पूरी आर्मी आ चुकी है। तो गाइस मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। यार ये कहाँ फंस गया यार मैं। चलो यार इस पानी में निकलता हूँ। ये शायद ऐसे इधर ये छुपे, यहाँ पे छुप के रहूँगा मैं। अरे सर, मुझे पता है कि बिल्ला वो कौन था, उस बिल्ले को मैं जानता हूँ। चलो गाइस उस बिल्ले की मैं इन्फॉर्मेशन अपने कमांड से निकालता हूँ। इस बिल्ले ने हमारे चीफ को मारा है, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये जहाँ भी जाएगा इसको मैं पाताल लोक से भी निकाल के लेके आऊँगा। आखिरकार ये बिल्ला बचेगा नहीं। काफ़ी जाँच करने के बाद बिल्ले का घर हमें मिल चुका है। उस बिल्ले का घर यही है, इसी घर में बिल्ला रहता है। फाइनली वो बिल्ला यहीं पर आया होगा, उसको बुलेट जो लग गई है पैरों पे, मुझे पूरा भरोसा है वो यहीं पर आया होगा अपने घर पे। चलो यार मैं चीफ का बदला ले जा रहा हूँ, अकेले इस बिल्ले का इनकाउंटर करूँगा। और उसने हमारा टेप भी चुरा लिया जिसमें न्यूक्लियर अटैक के कोड्स थे। अगर उसने किसी गलत हाथों में पकड़ा दिया तो बहुत ही बुरा होगा, कोई भी लॉस सैंटोस पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ओ नो, वो तो इस घर में नहीं है लेकिन यहाँ पे कोई लोग हैं। ओरे बाबा जी, यहाँ क्या चल रहा है, पुलिस वाले अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ आगे को तुम जानते हो? अरे कौन आगे, मैं नहीं जानता किसी आगे को। अरे ऐसे है क्या, उन्हें तुमने कब से घर से भगा दिया है? ओके तुम लोग सही कह रहे हो, आखिरकार वैसे ऑगी ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है। उसने हमारे न्यूक्लियर बम का टेप चुरा लिया और साथ में हमारे चीफ को भी मार दिया। अरे यार आपको लगता है कोई गलत सहमी हो गई है, लगता है वोगी भी यही कोई और होंगे। अरे नहीं, उसका कलर ब्लू है ना, वही है। अरे ये सही क्या, वो तो होगी भैया ये। अरे बाबरे क्या चक्कर हो रहा है, मुन्ना ने क्या कांड कर दिया, यहाँ पे तो लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सिंचन आखिरकार ये क्या चक्कर हो रहा है, और हम किसी ओगी को नहीं जानते हैं, हमने तो उसे कब का निकाल दिया था। लगता है गाइस मुन्ना किसी मुसीबत में पड़ चुका है, हम लोग तो मुन्ना के साथ मजाक कर रहे थे, बस एक दिन की उसकी पनिशमेंट कर रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। बाप रे ये क्या, लॉस सैंटोस की पूरी आर्मी यही नजर आ रही मुझे। और नो शिनचैन, मुन्ना लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, अब क्या करें हम। अरे यार अभी अगी भैया को ढूंढना पड़ेगा, ये क्या हो गया। ओए जो भी हो, मुन्ना को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुन्ना मेरी जान है। अरे ये सही क्या, अगी भैया हम तुम्हें बचाने जरूर आएंगे। ओए आखिरकार ये गया कहाँ होगा, ओए ढूंढ करेंगे पार्ट 2 में।